दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में दोस्तों, और आपके ग्रुप सी एग्जाम के बारे में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है खबर में कि आरआरबी इस माह घोषित करेगा कार्यक्रम, परीक्षा फरवरी में संभव। दोस्तों आपकी परीक्षा यहाँ पर फरवरी में यहाँ पर संभव हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। एनटीपीसी व ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा 2,40,00,000 से ज़्यादा भर्ती देंगे परीक्षा दोस्तों। और यहाँ बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी और आरआरसी की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। मतलब दोस्तों आपकी ये मानना है कि इस माह का अंत दोस्तों मतलब कि दिसंबर में आपकी परीक्षा यहाँ पर शुरू होने के चांसेस बन रहे हैं। बोर्ड की ओर से पहले एनटीपीसी परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों। ने बताया गया है कि आपकी पहले एनटीपीसी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल रेलवे में एनटीपीसी के रिक्त 35,208 पदों और ग्रुप डी के 1,03,769 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे थे। एनटीपीसी के लिए 1,26,30,585 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि ग्रुप डी के लिए भी 1,15,67,248 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड की ओर से पूर्व में जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम के तहत इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा अगस्त सितंबर में होनी प्रस्तावित थी, परंतु तकनीकी परेशानी और अन्य कारणों से रेल मंत्रालय ने भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए पुरानी एजेंसी का बदलकर नई नियुक्ति एजेंसी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे भर्ती का काम बीच में ही अटक गया है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा समय मिल गया है क्योंकि भर्ती परीक्षा के लिए एजेंसी नियुक्त नहीं हो पाई है। यह परीक्षा कब आयोजित यहाँ पर की जाएगी, इसे लेकर बोर्ड की ओर से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है दोस्तों। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ बताया गया है इसमें अभ्यर्थियों में असमंजस है, और सूत्रों के मुताबिक अब इस माह के अंत तक परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। यदि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी चुन लिया गया तो जनवरी तक परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसा कब होता है, जब आपकी परीक्षा एजेंसी नियुक्त होती है तब। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार पहले एनटीपीसी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के समाप्त होने के बाद ही आरआरसी की ओर से ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा शुरू की जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ बताया गया है कि आपकी जो परीक्षा है दोस्तों, आप सबसे पहले आपकी एनटीपीसी की परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी ग्रुप डी परीक्षा होगी। लेकिन दोस्तों तब होगी परीक्षा तो जब आपकी एग्जाम कराने वाली कोई एजेंसी रेलवे को मिल जाए। अभी दोस्तों कोई भी आपकी ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है कि आपकी कोई एजेंसी नियुक्त की गई है, जैसे कि TCS या कोई भी है दोस्तों। लोग बाग बता रहे हैं कि TCS को मिलेगा, वो हम जानते हैं मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं इस खबर की बात बताऊं दोस्तों, मेरी खबर हमें कहाँ मिली दोस्तों, एक हमारा ग्रुप है दोस्तों, उसमें ये किसी बंदे ने डाली थी दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये दोस्तों कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। आपको वीडियो अगर बुरा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं दोस्तों आपके लिए कुछ जानकारी देने के लिए दोस्तों यहाँ आया था कि आपकी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियली आपकी अभी कोई भी यहाँ पर कंपनी नियुक्त नहीं की गई है जो कि आपकी एग्जाम कराएगी दोस्तों। आपका एग्जाम इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि आपकी यहाँ पर एग्जाम कराने वाली कंपनी दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल रही है रेलवे को। दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इस समय का मौका क्या दोस्तों फायदा उठा करके आप अपनी दोस्तों तैयारी और अच्छी कीजिए और अच्छे लेवल तक रखिए, ठीक है। जरूर नहीं है दोस्तों आपको ग्रुप डी परीक्षा आपको यहाँ पर निकालना हो दोस्तों। ग्रुप डी परीक्षा में भी आजकल इतने अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप दोस्तों उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। दोस्तों अपना लेवल बढ़ाइए, अपनी परीक्षा को दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए, रेगुलर सेट मारते रहिए दोस्तों, जिससे कि आपकी यहाँ पर परीक्षाएं अच्छी जाएँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।